हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस राज में। तो हम हो गए हैं रेडी और आज हमने कुछ ऐसा साड़ी वेयर किया है जिसमें हमारा वीडियो बहुत वायरल हुआ था हमारे पहले वाले इंस्टाग्राम पे, जो कि अभी पता नहीं है भी या नहीं, आएगा भी या नहीं, कुछ उम्मीद नहीं है इससे। मेरे को लगा था कुछ टाइम तक ये आ जाएगा, बट अब डेढ़ महीना होने वाला है तो उम्मीद ख़त्म हो गया आने का। बट कोई बात नहीं, अभी दूसरा वाला इंस्टाग्राम पे वैसे ही वीडियो डाल रहे हैं। थोड़ा सा मन नहीं कर रहा है उस पर भी उतना मेहनत करने का, क्योंकि लगता है कि कभी ना कभी जब ये चला गया तो ये भी चला जाएगा, इसीलिए डर लगता है। बस कभी कभी इंजॉय या फिर मन करता है तो रील्स बना लेते हैं। तो आज ये वाला रील्स बनाने के लिए ही पहने थे, देखते हैं। अभी घर में बहुत ज़्यादा काम है, अभी कपड़ा मुझे जो धुला हुआ है उसको आयरन करना है, और खाना पीना बना दिए, चावल दाल फ्राई और टमाटर का चटनी। बस मेरे को अब क्या करना है, आलू का भुजिया कट करके हमने रख दिया है वो बनाना है। आंटी जी आए थे तो भिंडी का भुजिया काट के चली गई थी, फिर हमको लगा भिंडी का भुजिया वो खाते नहीं है, तो चलिए अभी चलते हैं। बहुत सारे लोग हैं अभी तक अंशु को लेकर कमेंट कर रहे हैं, तो इतना ही बोलेंगे भाई अब रहने दिया जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी इंसान परेशान हो। ऑलरेडी परेशान कभी कोई होता है तभी ऐसा करता है, बट कोई बात नहीं है। अभी आप लोगों को दिखा दे किचन में, आज यहाँ पे आलू का भुजिया कट करके रखे हुए हैं कि आ जाएंगे वो, तब जाके वो करेंगे, हम इसको बनाएंगे। कढ़ाई भी रखे हैं, यहाँ दूध गर्म कर दिए, यहाँ पे मिर्चा है और यहाँ बनाए थे पूरी, जैसा कि आप लोगों ने देखा था किचन पूरा साफ है, पूरी अभी धो बचा हुआ है। चावल यहाँ बनाए, जब तक वो लोग कुछ नहीं करते तब तक मेरा मन ही नहीं करता लंच करने का। यहाँ पे हमने टमाटर की चटनी बनाई हुई है, देख सकते हैं। तो कितने लोग को टमाटर का चटनी पसंद आता है कमेंट करना, बस इंतज़ार कर रहे हैं उनका, जैसे ही आ जाएंगे उसके बाद से खाना पीना खाएंगे। तो अभी चलते हैं रूम में और आप लोगों को दिखाते हैं। बहुत सारा कपड़ा है जिसको हमें अभी फोल्ड करना है। अभी फैन चला रहे हैं, एसी नहीं चला रहे क्योंकि एसी ज़्यादा हम अभी लाल चला मिल गए हैं। और आप लोगों को दिखा दें, यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर सी साड़ी आई है हमारे लिए और हमारी बहन के लिए भी, हमारे ही एड्रेस पे भेज दिए हैं, क्योंकि जिन्होंने ये साड़ी भेजा था उन्होंने बोला था कि आपकी सिस्टर के लिए भी करना है, तो निशा ने पसंद किया था बट एड्रेस अलग हो गया, उसका इसी एड्रेस पे आ गया है, तो हमने बोला कोई बात नहीं। अब हमने तो ये वाला कलर मंगाया था, उसने ब्लैक मंगाया था बट ये ब्लू आया है, तो ये साथ में ही पहन के करने के लिए आया है। बट अभी वो रील्स नहीं बना रही है, लेकिन बोली कि दीदी की कोलैबोरेशन के लिए आ रहे हैं तो क्या करें, बना लेंगे। साड़ी बहुत सिंपल है, पहनेगी तो उसके पे अच्छा लगेगा ये, बाकी ब्लाउज तो वो सिलवा ही लेगी। तो यहाँ देख रहे हैं ये निशा के लिए है, ये हमने नहीं मंगाया है, ये ऑलरेडी उसके पेज पे कोलैबोरेशन के लिए आया है। अभी तो उसका पेज मेरे पेज से ठीक ही है, 1 लाख है, वो डेली वीडियो डालती तो उसके लिए और भी आता, बट हम कभी फोर्स नहीं करते हैं कोई भी चीज़ के लिए उस, क्योंकि उसका तबीयत सही नहीं रहता है, तो इसीलिए। एक ये हो गया सांस का साड़ी, ये मेरा है, पहले उसी का खोल के दिखा दिए, इसे कितने लोग करते हैं। तो उसका साड़ी अभी मेरे को बोले हैं विशाल से कि विशाल लेते जाने, और ये हम अपने लिए कलर मंगवाए हैं, देखने की कोशिश करके का है ये वाला कलर ना, अभी पहनेंगे तो पता नहीं मेरे को कैसा लगेगा, पर सोचे कि यार थोड़ा अलग कलर मंगवाते हैं। तो इसका भी ब्लाउज सेम है, साड़ी सेम है, लेकिन वीडियो भी हम दोनों को साथ में ही करना है, तो देखते हैं कैसे क्या करते हैं। और भी आया है ब्लैक कलर का साड़ी, ये टाइम हो गया आए हुए, लेकिन अभी तक उसके बाद से हमको टाइम नहीं मिला कि उसका साड़ी भिजवाएँ। तो इसमें से ब्लैक एक निशा का एक मेरा है, क्योंकि ना अब हमारे पेज पे जो हमारा मिलियन वाला सब्सक्राइबर है वो चला गया है, तो हमें इसी पेज पे सबको ही बोल रहा है कि यार कर दो, लेकिन अब थोड़ा सा वो हो जाता है ना, पेज जाने के बाद दिक्कत हो जाती है। तो ब्लैक कलर का उसने मंगवाया था तो हमने ब्लैक ही मंगवा लिया अपने लिए, एक मेरा है एक उसका है, तो उसका अभी रख लेते हैं, इसका चला जाएगा।
कहाँ चाय है, इसमें कुछ लिखा भी नहीं। तो बने रहिए आप लोग ब्लॉग में, खाना पीने देखते हैं खाएंगे। और इसका साड़ी रख लेते हैं, बढ़िया है वो। अगर करती वीडियो तो उसको और मिलता, बट अभी वो ज़्यादा टी शर्ट वगैरह का करती बोली दीदी, इस बार साड़ी का करेंगी। हमें तुम ही मंगा रही है बोली। हाँ आया है, उसके पास बहुत सारे मैसेज आए हैं, लेकिन वो करती नहीं है। बोलते यार अभी मेरे को नहीं करना ये है। फिर हम भी बोलते ठीक है, जब तुमको अच्छा लगे तभी करना, ये तो कोई बात नहीं है। ये ब्लैक कलर का मेरा साड़ी है और एक ये कलर है, तो कैसा लग रहा है आप लोग बताना। ये निकल जाएगा शायद, लाइट आ गया, कट गया, लाइट चला गया। तो बस अब ये सारा कपड़ा है, इसको मेरे को सही करना है। और समझ में भी नहीं आ रहा है, अच्छा भी नहीं लग रहा है। अभी अंशु का पर्स है यहाँ पे, और बाकी नीचे जो गाड़ी है उसमें सामान वामान भी है। तो आज थोड़ा अलग तरीके का बिंदी लगा है, बहुत सारी बातें करनी है आप लोगों से, बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड कमेंट आ रहा है। लेकिन मेरे को लगता है कि यार कमेंट को लेके ना कभी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब पॉजिटिव आता है तो उसी को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बट कोई चीज़ बार बार होने लगता है ना तो उसको अच्छा नहीं लगता है देखना। अभी ये भी गए हैं स्कूल, जाते हैं अपने स्कूल सुबह में, और फिर आते हैं 1:30 बजे खाना पीना खाने। उसके बाद फिर 5-10 मिनट रुकते हैं और चले जाते हैं, फिर आते हैं 6:30-7 बजे तक। तो अपना इनका एक अलग रूटीन हो गया, और बहुत सही भी है, क्योंकि अपने आप को बिजी रखना, और इससे क्या होता है ना काम भी हो जाता है। जैसे कि अगर हम भी घर में बैठे हैं तो दिन भर लेटे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन काम बहुत सारा है तो उसको करेंगे तो मन लग जाता है। जैसे ही खाली बैठेंगे उस तरह फिर लग रहा है यार अच्छा नहीं लग रहा है। तो अभी बने रहिए आप लोग, जैसे जैसे होगा वो दिखाएंगे आप लोग को। बहुत सारे लोग बोल रहे थे ना कि दीदी आप अपने मायके गए थे तो वहाँ रुके नहीं। और कल निशा भी फ़ोन की थी, बोल रही थी कि दीदी आ जाओ प्लीज़, कुछ दिन के लिए आ जाओ, 10 दिन के लिए आ जाओ। फिर हमने उसको बोला कि यार कैसे आएंगे, घर पे यहाँ कोई नहीं है, और यहाँ पे कम से कम कोई रहता तो आके हम भी थोड़ा वहाँ रह लेते। लेकिन अब बोल रही है दीदी आ जाओ ना, बस 2-3 दिन के लिए कम से कम आ जाओ। पहले बोल रही थी कि आ जाओ 10-15 दिन के लिए कम से कम, क्योंकि तुम रहती नहीं हो। फिर हम बोले कि यार नहीं आ पाएंगे, दीदी थोड़ा देर के लिए आ जाओ, थोड़ा दिन के लिए आ जाओ। बोले नहीं, तो उसको बोले कि तुम आ जाओ, क्योंकि हमारा यहाँ पे मन नहीं लग रहा है। निशा को हमने बोला कि यार तुम आ जाओ, क्योंकि उसका वहाँ पे थोड़ा मन नहीं लग रहा और यहाँ पे मेरा मन नहीं लग रहा। तो हम बोले कि आ जाती तो थोड़ा हमको भी अच्छा लगता। तो बोले कि हम भी, हमारा तबीयत ठीक नहीं है, कैसे आ पाएंगे। फिर हमने बोला कोई बात नहीं यार, पहले तुम ठीक हो जाओ उसके बाद देखते हैं, और आना होगा तो मेरे को बताना, क्योंकि हमको अच्छा नहीं लग रहा। हमने उसको बहुत पहले से ही बोला है कि आ जाती ना तो हमको थोड़ा अच्छा लगता। जब हम यहाँ पे आए थे तब भी मेरे को मन नहीं लग रहा था, तो हमने उसको बोला था कि आ जाओ। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। और क्या चीज़ याद आया मेरे को, अभी जा रहे हैं अपने जल्दी से काम कर लेने, कपड़ा जो धुला हुआ है उसको छत पे डाल देते हैं, और जो कपड़ा यहाँ पे है इसको हम, मेरे को आयरन भी करना है। लेकिन अब मिस्टर राज आएंगे तो पहले मेरे को लग रहा है भुजिया बनाना पड़ेगा। तो भिंडी भी कटा हुआ है, आलू भी कटा है, जो बोलेंगे वो बना के उन्हें खाना दे देंगे। इसी के साथ इस ब्लॉग को भी करते हैं, ब्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे क्योंकि मेरे को अभी बहुत सारा काम करना है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट्स को शेयर कीजिएगा, जाते जाते सब्सक्राइब भी कर लेना, और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग है पुराना ब्लॉग है आप लोग को सब वो कोड जाते रहेगा। बाय बाय, लव यू ऑल।